आई एम सलमान हसन, वेलकम टू माई YouTube चैनल सिंध बोर्ड अकेडमी। स्टूडेंट, इस लेक्चर के अंदर हम लोग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की न्यू बुक के चैप्टर नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर टोटल 3 पार्ट्स हैं। इन 3 पार्ट का सोल्यूशन जो है एक ही जैसा है, तो कोशिश करें आप पार्ट 1 को समझने के बाद आगे के दोनों पार्ट खुद करें। अगर कोई मसला या कन्फ्यूजन हो तो फिर आप वीडियो को कंटिन्यू देखते रहें, ठीक है जी बेटा। तो फिलहाल आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के सोल्यूशन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ते हैं। इसमें कह रहा है फाइंड द पोजिशन वैक्टर, एक वैक्टर मालूम करना है, वो है पोजिशन वैक्टर ऑफ पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी इन द गिवन रेशियो वेयर पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर गिवन। बेसिकली यहाँ पे आपको एक पोजीशन वेक्टर मालूम करना है जो कि डिवाइड हो रहा है ए एंड बी वेक्टर्स के, ठीक है जी। ए एंड बी एक वेक्टर है, उनके दरमियान में एक वेक्टर डिवाइड कर रहा है, तो उसका हमें क्या मालूम करना है, वो वेक्टर मालूम करना है जिसको पोजीशन वेक्टर कहा गया है, और उसके साथ उसका रेशियोज भी दिए गए हैं। तो बेटा अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चों को शायद ये चीज समझ ना आ रही होगी, इसके अंदर सोल्यूशन कैसे होगा, तो बेटा इसका सोल्यूशन करने से पहले कुछ बेसिक चीजें और फार्मूलाज हैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, ताकि जब हम इसका सॉल्यूशन करें तो आपको समझ में आए। और इस क्वेश्चन के अंदर जो कॉन्सेप्ट जो आपके साथ डिस्कस करना है अभी के अभी मुझे, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आपको आगे के क्वेश्चंस में भी बहुत काम आने वाला है, ठीक है स्टूडेंट। तो बात बताने की है, पहले हम इसका सॉल्यूशन करने से पहले थोड़ी बेसिक डिस्कशन करेंगे, वो आपने देखनी जरूर है। जो उसके अंदर फार्मूला डिस्कस करूं उनको आपने जरूर देखना है, ठीक है, ताकि जब हम इनका सॉल्यूशन करें आपको आसानी हो और आगे की एक्सरसाइजों में भी वो चीज काम आएगी, तो आपके लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो चलिए जी इसका सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर इसके सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे। स्टूडेंट, तो बेटा बेसिक कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज जो है आपको पता होनी चाहिए, जो मैंने पहले भी डिस्कस की गई है, लेकिन शायद किसी बच्चे के इल्म में ना हो क्योंकि अभी काम आने वाली है, तो इसीलिए डिस्कस कर रहा हूं। क्या है जरा देखें, अब स्टूडेंट जरा देखेंगे इस चीज को। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 में कहा गया कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर। अब ये पोजीशन वेक्टर क्या होता है जरा इसको जरा देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही चीज आगे आपको ड्राइव करेंगे, इनके फॉर्मूले में हेल्प करेगा इनको समझने के अंदर। तो सबसे पहले पोजीशन वेक्टर को भी समझने से पहले चले वेक्टर देख लेते हैं, वेक्टर क्या होता है, सही है, चले आए वेक्टर। भाई वेक्टर तो आपको पता होगा कि वेक्टर क्या है, वेक्टर सिंपल सी चीज है, वेक्टर को जो सिंबल करते हैं हम इस चीज से करते हैं। फिर उसके बाद में वेक्टर के अंदर दो चीजें होती है मेन, आपको पता है, एक होती है उसकी टेल और एक होता है उसका हेड। टेल को हम क्या कह देते हैं, टेल को हम क्या देते हैं, इनिशियल, ठीक है जी, इनिशियल पॉइंट, सही है ना भाई। और इसके बाद ये जो ये क्या होता है, हेड बोलते हैं, या इसको हेड भी बोल सकते हैं, या इसको टिप भी बोल सकते हैं हम लोग, इसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल पॉइंट, ठीक है जी, टर्मिनल पॉइंट, सही जी। अब ये बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो चीज आपको अक्सर एमसीक्यूज में भी आ सकती है, और ड्यूरिंग दी क्वेश्चन आपको इस चीज का नाम लूंगा तो आपको पता होना चाहिए कि इनिशियल पॉइंट क्या होता है, टर्मिनल पॉइंट क्या होता है एक वेक्टर के अंदर, इसलिए बता रहा हूँ, तो समझ लें इनको, ठीक है स्टूडेंट। तो फिलहाल यहाँ पे मैंने आपके साथ क्या कहा कि एक वेक्टर होता है, उस वेक्टर को हम सिंबलाइज किससे करते हैं, प्रेजेंट किससे करते हैं, एरो से करते हैं, ठीक है जी। फिर उसके बाद में इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट बता दिए। अब आते हैं पोजीशन वेक्टर पे, ठीक है जी, क्योंकि पोजीशन वेक्टर आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर वैसे मैंने डिस्कस पहले भी किया हुआ है इन डिटेल, यहाँ पे ऊपर ऊपर से करूंगा, तो इतना खास नहीं जाऊंगा, लेकिन अभी क्योंकि जरूरत है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलें जी आए, अब हमने डिस्कस करना है पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है भाई, पोजीशन वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसका जो इनिशियल पॉइंट होता है वो कहां पे होता है, ओरिजिन पे होता है। मिसाल के तौर पे जरा देखिए, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए ओरिजिन क्या होता है। ओरिजिन होते हैं बेसिकली, आपने ग्राफ देखे होंगे, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस जहां पे मिल रहे होते हैं यहाँ पे ओरिजिन, इसको बोलते हैं ओरिजिन, और ओरिजिन को जीरो से बोलते हैं, और यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यूज क्या होती है, जीरो जीरो होती है, ठीक है बेटा। अब पोजीशन वेक्टर किसको बोलते हैं, अब वेक्टर whose initial point at origin is called position vector, ये बोल सकते हैं। इसके अलावा एक और definition बनती है, a vector whose pointed up point, एक point को, एक vector एक point को क्या कर रहा हो, point out कर रहा हो, उसको हम position vector बोलते हैं। different different definitions हैं जो मैंने आपके साथ discuss करी हैं, ये आपके MCQs में आ रही होती हैं, तो इसलिए बता दी क्योंकि ये चीज आपके MCQs में आएगी तो आपको परेशान ना करे। अच्छा जी, तो position vector क्या होता है, ऐसा vector जो स्टार्ट कहां से होता है, ओरिजिन से स्टार्ट होता है, ओरिजिन पे, और एंड कहां पे होता है, किसी ने किसी एक पॉइंट पे कर रहा होता है, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पी, ठीक है जी। और ये जो ओरिजिन होता है इसको हम ओ से प्रेजेंट करते हैं, तो लिहाजा इसकी जो कॉम्बिनेशन फॉर्म बनेगी वो हम बोल देते हैं ओपी वेक्टर, ठीक है जी बेटा। और मोस्टली कोई बोल देते हैं कि हाँ अच्छा
ये एक चीज भी जरा समझिएगा कि ये एक पोजीशन वेक्टर है। पोजीशन वेक्टर आपको समझ आ गया कि ओरिजिन उसका क्या, उसका जो इनिशियल पॉइंट होगा वो ओरिजिन पे होगा, किसी ना किसी पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा होगा। तो ये एक वेक्टर हमारा क्या बन गया, पोजीशन वेक्टर बन गया, इसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। आपकी बुक के अंदर जर्नली पोजीशन वेक्टर को आर से प्रेजेंट किया गया है, ठीक है जी। तो हम पोजीशन वेक्टर को आर से भी प्रेजेंट कर सकते हैं, सही जी, क्योंकि मेन आपकी बुक में कहा गया तो वही करें, क्योंकि ड्यूरिंग द क्वेश्चन में आर से प्रेजेंट कर रहा हूं पोजीशन वेक्टर को। क्यों? क्योंकि ड्यूरिंग क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे आपको कहा गया कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर मालूम करना है तो उसके लिए मैं आपको बोल दूंगा आर, ठीक है ना, सिंपल। तो मेन जो चीज यहाँ पे समझने की थी कि पोजीशन वेक्टर को आर से सिंबलाइज करते हैं, और दूसरी चीज क्या थी कि पोजीशन वेक्टर जो होता है वो क्या होता है कि उसका इनिशियल पॉइंट एट द ओरिजिन होता है और किसी ना किसी पॉइंट आउट कर रहा होता है, इसको हम कहते हैं कि ओरिजिन पॉइंट। तो ये जो पोजीशन वेक्टर है अब इसको मालूम करना है, कैसे मालूम करना है जरा वो देखें। इसमें कह रहा है फाइंड द पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पॉइंट डिवाइडिंग द ज्वाइनिंग ऑफ ए एंड बी। अब ये ए एंड बी दो वेक्टर हैं, उनके दरमियान में एक पोजीशन वेक्टर है, वो डिवाइड हो रहा है विद दीज रेशोज। तो अब इनको समझते हैं कि क्वेश्चन के अंदर जो सोल्यूशन करना है उसके अंदर कुछ फार्मूलाज हैं। अब मैं वो आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि जब हम उनका सोल्यूशन करें तो आपको आसानी हो। तो एक मिनट रुके, वहां पे थोड़ी चीजें लगा दूं, फिर आसानी होगी मुझे समझाने में। बेटा अभी तक हमने अपना सोल्यूशन स्टार्ट नहीं किया, सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज हैं उनको डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें आप जरा समझिए, मेन चीज डिस्कस करने जा रहा हूँ जो कि आपको आगे भी बहुत काम आने वाली है, क्या है जरा देखें स्टूडेंट। आपको पता है क्वेश्चन में कहा गया कि एक पोजीशन वेक्टर है वो डिवाइड कर रहा है ए बी वेक्टर को। तो जरा देखिए, मैं यहाँ पे सबसे पहले ये मैंने ग्राफ बना लिया है, ठीक है, एक्स एंड वाई का, ठीक है जी बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है कि ए एंड बी वेक्टर है, ठीक है, ए एंड बी वेक्टर वो डिवाइड कर रहा है पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी। तो पोजीशन वेक्टर डिवाइड कर रहा है, वो पोजीशन वेक्टर मालूम करके बताएं। तो भाई उस पोजीशन वेक्टर जो है बेसिकली वो दो तरीकों से डिवाइड करेगा, क्योंकि आगे चल के ये दोनों टाइप के फॉर्मूलाज ही आपको काम आने वाले हैं, ठीक है। तो इसीलिए इन दी डील और इन दी डेप्थ मैं आपको समझा रहा हूं, चाहता तो मैं डायरेक्ट करवा सकता था, लेकिन यही चीज आपको आगे काम आएगी और यही चीज आपको ईकैट के कॉन्सेप्चुअल के अंदर बहुत काम आने वाली है। तो इसीलिए मेरा इरादा है कि आपको अच्छे तरीके से हर चीज करवा दूं, काइंडली समझने की कोशिश करें इन चीजों को। क्या होगा इधर जरा देखें भाई, पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, ठीक है जी। क्वेश्चन में आपको कहा है कि पोजीशन वेक्टर जब डिवाइड कर रहा है ए एंड बी को, तो भाई इसके अंदर दो स्टेट्स बनेगी। तो भाई ये तो मैंने बना दिया, ए एंड बी वेक्टर बन गया, अब इनको डिवाइड कैसे करेगी दो स्टेट में जरा देखें। पोजीशन वेक्टर डिवाइडेड टू वेक्टर्स इंटरनली, और पोजीशन वेक्टर डिवाइड टू वेक्टर एक्सटर्नली। अब एक पोजीशन वेक्टर वो डिवाइड कर सकते हैं इंटरनली और एक्सटर्नली, तो ये दोनों एक इंटरनली डिवाइड करें तो उसके लिए पोजीशन वेक्टर मालूम करने के लिए अलग फार्मूला है, और एक्सटर्नल डिवाइड करें तो उसको मालूम करने के लिए एक अलग फार्मूला है। और वो कैसे करता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या होता है, अ वेक्टर हु स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, ठीक है जी, स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन एंड पॉइंट आउट एक पॉइंट को कर रहा होता है, उसको हम पोजीशन वेक्टर कहते हैं। तो भाई पोजीशन वेक्टर डिवाइडिंग टू वेक्टर्स इंटरनली, इंटरनल की मतलब अंदर। तो अब जरा देखिए, ये दो वेक्टर है, इनको अंदर से एक वेक्टर ने डिवाइड किया, और इस वेक्टर को मैं क्या कहूंगा, पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी बेटा। तो इस वेक्टर को, अब कॉन्सेप्ट को जरा समझे कि एक पोजीशन वेक्टर कैसे दो वेक्टर को इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है, सही है जी। तो अब इंटरनली डिवाइड कर रहा है, इसको इंटरनली डिवाइड करने के बाद जो पोजीशन, अब इस पोजीशन वेक्टर को हम कैसे मालूम करें, सही है। तो उसके लिए जो फार्मूला यूज होगा वो होगा ये, पोजीशन वेक्टर को आपको पता है हम आर से प्रेजेंट करते हैं। अब ये इसमें फार्मूला बेसिकली है एम मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर प्लस एन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए, और डोमिनेटर में एम प्लस एन करना है। अब बच्चे बोल रहे होंगे सर ये एम एन क्या है, मैं वो बता देता हूँ। बेसिकली एम एन एन रेशोज होते हैं, क्या होते हैं रेशोज, एम पहले एम होता है और हमेशा एन होता है। अब ये रेशो क्या होते हैं जरा इसको समझे स्टूडेंट, ये जो पोजिशन वैक्टर होता है ना, इसका डिस्टेंस फ्रॉम वैक्टर ए से उसको हम बोलते हैं एम, और ये पोजीशन वेक्टर का जो डिस्टेंस होता है फ्रॉम दूसरे वेक्टर यानी कि बी वेक्टर, इसको बोलते हैं एन। तो भाई ये जो रेशो होता है ये बेसिकली आपको डायरेक्ट दिया जाता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि एम और एन होता क्या है। जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम ए उसको हम एम बोलते हैं, और जो पोजीशन वेक्टर होता है उसका डिस्टेंस फ्रॉम दूसरा वेक्टर बोल दो या बी वेक्टर बोल दो उसको हम बोलते हैं एन, सही जी।
तो ये चीज थी। अब इस ये जो डिस्टेंस है ये एन एंड एम है, ये आपको दिया जाएगा, और ये पोजीशन वेक्टर जो यानी ये जो ए और बी वेक्टर है ये आपको दिए जाएंगे। सिंपल आपने यहाँ पे पुट करना है और पोजीशन वेक्टर जो निकलेगा वो जो चीज निकलेगी वो पोजीशन वेक्टर आ जाएगी। तो इस वेक्टर ये जो फार्मूला है ये फार्मूला जरूर याद कर लें, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कहा जाएगा कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर जब वो डिवाइड कर रहा है इंटरनली दो वेक्टर्स को, तो उसका ये फार्मूला यूज होगा। और वो कैसे कॉन्सेप्चुअल करेगा वो मैंने आपको समझा दिया है, ठीक है जी। ये एम एन एंड रेशियोज होते हैं, ए एंड बी वेक्टर्स होते हैं, जो आपको सब दिया जाएगा। मेन आपको फार्मूला पता होना चाहिए। अब हम आते हैं दूसरी चीज पे। यहां पे हमें कह रहा है पोजीशन वेक्टर डिवाइडिंग टू वेक्टर एक्सटर्नली। अब एक्सटर्नली का मतलब क्या होता है, बाहर से। अब ये ए एंड बी दो वेक्टर हैं, इनको हमारा पोजीशन वेक्टर जब डिवाइड करे एक्सटर्नली, अब एक्सटर्नल का मतलब बाहर से। अब ये जो पोजीशन वेक्टर बना ये बाहर आ गया, ए एंड बी से बाहर से आ गया, ठीक है जी। तो अब ये मालूम करें, सही है। तो अब ऐसी कंडीशन जिसके अंदर ए एंड बी वेक्टर जो पोजीशन वेक्टर वो डिवाइड हो रहा हो बाहर से, यानी कि बाहर आ गया, ठीक है जी। तो इसका कैसे ये पोजीशन वेक्टर कैसे मालूम करेंगे, उसका फार्मूला है ये। यहाँ पे m मल्टीप्लाई बाय बी माइनस एन मल्टीप्लाई बाय ए वेक्टर एंड m माइनस एन हो जाएगा, समझ रहे हैं इस चीज को। अब यहाँ पे क्या है, दोनों फार्मूले बिल्कुल सेम है, लेकिन इंटरनल के अंदर प्लस आ जाता है और एक्सटर्नल के अंदर माइनस आ जाता है, कोई डिफरेंस नहीं है, मेन चीज यही है। और अब यहाँ पे आ जाए a एंड b क्या होते हैं, a एंड b बेसिकली वेक्टर्स होते हैं आई जे के फॉर्म में, आपको दिए हुए हैं दिए होते हैं वो आपने पुट करें। एंड एन एन एम बेसिकली क्या होते हैं, एन एन एम बेसिकली क्या होते हैं, एन एन एम जो होते हैं वो आपके जल्दी से बताए, एन एन एम आपके रेशियो होते हैं जो यहाँ पे था, बिल्कुल वही चीज है, ठीक है। तो अब आ जाए यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट बनता है, तो भाई जरा देखिए, मैंने आपको बताया था कि भाई जो रेशियो होता है जो पोजिशन वैक्टर होता है, पोजिशन वैक्टर से लेके वैक्टर ए तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एम कहते हैं, और भाई ये पोजिशन वैक्टर से लेके इस क्या बोलते हैं वेक्टर बी तक बोलते हैं या दूसरे वेक्टर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम एन कहते हैं। तो भाई ये जो डिस्टेंस होता है इसको हम एन एम के अंदर, आपको समझ आ गया होगा एम एन क्या होता है, एम बेसिकली डिस्टेंस फ्रॉम वन वेक्टर एंड एन इज द डिस्टेंस फ्रॉम अनदर, दूसरा वेक्टर जो होता है बी, सही जी। तो अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लें कि एक पोजिशन वेक्टर जो होता है वो दो वेक्टर यानी कि ए एंड बी को दो तरीकों से डिवाइड करता है, एक इंटरनली अंदर से और एक एक्सटर्नल बाहर से, ठीक है जी बेटा। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपको नहीं बताया जाता इंटरनल डिवाइड करा या एक्सटर्नल डिवाइड किया कहा जाता है, ठीक है। मोस्टली क्वेश्चन के अंदर आपको बता दिया जाता है कि इंटरनल डिवाइड करा या एक्सटर्नल डिवाइड करा, ठीक है जी बेटा। और फिर आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल का फॉर्मूला क्या होता है और एक्सटर्नल का फॉर्मूला क्या होता है, सही जी बेटा। तो उम्मीद करता हूं ये अच्छा सा कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि जब एक पोजीशन वेक्टर दो वेक्टर्स को डिवाइड कर रहा होता है तो हमें फार्मूला कौन सा यूज करना है। सिंपल ये फार्मूले के अंदर वैल्यू डालनी है और अपना काम कर देना है। इसका सलूशन इतना ही आसान है कि फार्मूला पता हो तो भाई बंदे ने बस वैल्यू डायरेक्ट सारी वैल्यू दी जाती है पुट करी और सोल्यूशन कर दिया, दो मिनट के अंदर आंसर आ जाता है। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपके आगे की एक्सरसाइज के क्वेश्चन में आपको काम आने वाला है। तो यहां पर मैंने अपना काम कर दिया खत्म, अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो फाइनली यहाँ पे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 ले लिया है, जहाँ पे हमें क्या दिया गया 4i माइनस 5j एंड 2i प्लस 7j और वेयर द रेशियो 3:5। तो भाई आपको जरा क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ा देता ताकि इसके सॉल्यूशन में आपको इजीली कर सकें। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा गया था कि फाइंड द पोजीशन वेक्टर, ठीक है जी, पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट डिवाइडिंग द जॉइनिंग ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है जी, एक पोजीशन वेक्टर इन द गिवन रेशियो, जो रेशियोज आपको दिए गए हैं, वेयर द पोजीशन वेक्टर ऑफ ए एंड बी आर गिवन। तो भाई पोजीशन वेक्टर जो है बेसिकली ए एंड बी भी एक पोजीशन वेक्टर ही है, क्योंकि आपको मैंने बताया था ग्राफ बनाए थे वो भी ओरिजिन से स्टार्ट हो रहे थे। तो बात जो समझने की है वो यहाँ पे ये है कि आपको एक क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है वो ये पार्ट दिया गया है, और इस क्वेश्चन के अंदर जो फार्मूला यूज होने वाला है वो ये है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब अक्सर बच्चे कहेंगे कि सर यहाँ पे तो लिखा ही नहीं है कि इंटरनल डिवाइड करे या एक्सटर्नल डिवाइड करे। तो भाई क्वेश्चन के अंदर इनडायरेक्ट वे में आपको कहा गया है कि ए एंड बी को डिवाइड करा, तो अंदर से डिवाइड करेगा ना एक चीज। अगर ये एक्सटर्नल कर रहा होता तो वो आपको बोलता, क्योंकि अभी आगे के क्वेश्चन में होगा तो आप देखिएगा आपको डायरेक्ट बोला जाएगा इंटरनली डिवाइड करा है और एक्सटर्नली डिवाइड करा है। और यहाँ पे आपको एक इनडायरेक्ट वे में बताया गया है कि भाई ए जो पोजीशन वेक्टर है वो आपको क्या कर रहा है, ए एंड बी वेक्टर को डिवाइड कर रहा है। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा उसकी तरफ आ जाए, ठीक है जी बेटा, चलें चलते हैं। तो भाई क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 आ गया ये, जिसमें आपको ये दिया गया है और सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो भाई सॉल्यूशन लिखा, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप जरा देख लें यहां पे आपको गिवन क्या दिया गया है। भाई गिवन आपको दिया है ए एंड बी वेक्टर्स, तो क्वेश्चन में खुद कहा गया है पोजीशन वेक्टर फाइंड करें कब, जो ए एंड बी, ए एंड बी बेसिकली ये ए एंड बी जो दो वेक्टर्स दिए गए हैं वो ए एंड बी हैं। तो ये हमारा ए बन गया,
और ये हमारा बी वेक्टर बन गया। तो सबसे पहले जो गिवन दिया हुआ है वेक्टर ए, सही है जी, 4i-5j, और दूसरा क्या दिया है बी वेक्टर, वो क्या दिया है 2i+7j, सही है बेटा। तो ए एंड बी वेक्टर दिए वो हो गया। फिर उसके बाद में आ जाए रेशोस पे, रेशो क्योंकि आपको पता है ड्यूरिंग द सॉल्यूशन आपको जो वेक्टर मालूम करना है उसके अंदर रेशो को जरूरत होगी, वो एम एंड एन होते हैं, तो वो क्या दिया हुआ है यहाँ पे डायरेक्ट दिए, तो वो दिया हुआ है 3 and 5, तो आपको पता है रेशो पहले वाला एम होता है और दूसरा वाला एम होता है, तो यहाँ पे क्या बनेगा वेयर, यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगा एम की वैल्यू क्या निकल गई, एम की वैल्यू 3 बन के आ गई, और एन की वैल्यू क्या निकल के आ गई, एन की वैल्यू आपके पास 5 बन के आ गई, ठीक है ना बेटा। इसमें कोई मसला, बिल्कुल कोई मसला नहीं होना चाहिए। अब मुझे बताएं, आपको गिवन ये दिया था ए एंड बी वेक्टर, रेशो दिए गए थे, उसके बाद क्या था, इसके बाद अब रिक्वायर्ड क्या है आपको, रिक्वायर्ड बेसिकली आपको मालूम करना है पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हम आर से प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चाहे तो चले लिख भी देता हूं ताकि अक्सर बच्चों को पता हो कि भाई रिक्वायर्ड क्या करना है, पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, पोजीशन वेक्टर को हम आर से प्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो अब मुझे बताएं पोजीशन वेक्टर मालूम करना है कब, जब दो वेक्टर ए एंड बी को डिवाइड कर रहा है, तो भाई आपको पता है इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो इंटरनली डिवाइड करने का जो फार्मूला होता है वो ये होता है, ठीक है ना बेटा, क्योंकि ए एंड बी को डिवाइड कर रहा है, कॉमन सेंस की बात है अंदर से ही करेगा, अगर एक्सटर्नल कर रहा होता तो हमें बोल दिया जाता है, ठीक है जी। तो भाई चले जी इसके सोल्यूशन की तरफ हम लोग चलते हैं, तो आपको पता है पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, तो भाई आपको ये वाला फार्मूला पता होना चाहिए कि पोजीशन वेक्टर मालूम करना है, इंटरनली डिवाइड करा तो उसका जो फार्मूला होगा एम मल्टीप्लाई बाय बी वेक्टर से जी बेटा प्लस एन मल्टीप्लाई बाय वेक्टर ए, ठीक है जी, और डिवाइडेड बाय एम प्लस एन। तो भाई इसके अंदर वैल्यू पुट करें और सॉल्यूशन करें, देखें आपका पोजीशन वेक्टर कैसे दो मिनट में आ जाता है। तो सबसे पहले जरा देखें यहाँ पे क्या होगा, एम क्या है आपके पास, एम आपके पास यहाँ पे 3 दिया गया है, ठीक है ना भाई, 3 लिख दिया जी लिख दिया। उसके बाद में बी वेक्टर है, तो बी वेक्टर आपको क्या दिया गया था, ये दिया हुआ है 2i, इसको साइड पे करते हैं थोड़ा रश कम करते हैं, चले तो 2i+7j, सही जी। फिर उसके बाद आगे क्या करना है, प्लस एन, एन क्या दिया हुआ है, एन आपको 5 दिया गया है, फिर उससे ए वेक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए वेक्टर क्या है 4i-5j, सही जी। फिर आज इसके डोमिनेटर में, डोमिनेटर में क्या लिखा है, एम प्लस एन, तो एम की वैल्यू क्या है 3 और एन की वैल्यू क्या है 5, तो ये आपने कर दी, समझ रहे इस चीज को, कोई मसले की बात नहीं है, ठीक है जी। अब इसका सोल्यूशन करते हैं, तो देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 2 3 6, 2 7 क्या होता है, 2 7 7 × 7 = 14, 7 = 21, ठीक है जी 21 हो गया। 5 को मल्टीप्लाई करें 4 से, 5 × 4 = 20, ठीक है जी, और 5 × 5 = 25, ठीक है जी बेटा। और इसके डोमिनेटर में आ जाए तो 3 + 5 क्या कितना बन गया, 3 + 5 करें तो ये आपका 8 बन जाएगा, ठीक है ना। तो एक मिनट रुके, मैं कैलकुलेटर लाऊं, उसकी जरूरत पड़ेगी मुझे। अच्छा जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपने सिंपल इनको एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दिया, अब आपको पता है आई आई जे जे के अंदर ही काम होगा, तो जरा देखें 6i, फिर उसके बाद में क्या है 20, ठीक है जी, फिर है 20, तो ये क्या 26, सही है जी बेटा 26i, फिर उसके बाद में आगे क्या लिखा है 21 और -25, तो ये माइनस का 4, ठीक है जी, तो माइनस का 4j बच जाएगा। अब डोमिनेटर में आ जाए, डोमिनेटर में नीचे आपके पास 8 लिखा हुआ है, ठीक है जी। अब आगे क्या करना है जरा वो देखें। अब स्टूडेंट ये आपने पोजीशन वेक्टर मालूम कर लिया जी, बिल्कुल कर लिया, अब आप चाहें तो अपना आंसर यूं भी छोड़ दें, लेकिन आप अपना आंसर चाहें तो कुछ अच्छे तरीके से बुक के पीछे जो आंसर लिखा है वो भी कर देंगे, तो कोई मसले की बात नहीं है। क्या कि ये जो 8 है इस टर्म के नीचे भी और ये जो टर्म 8 है इस टर्म के नीचे भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो कैसे आएगा जरा देखें, अब मिसाल के तौर पर ऊपर के लिखे 26 और डोमिनेटर में है 8, किया तो ऊपर क्या आ गया 13 और डोमिनेटर में क्या आ गया 4 और इसके साथ i, फिर इसके बाद में आपको पता है 4 / 8, कॉमन सेंस की बात है 8 * 8 = 8, मतलब कि 4 * 4 = 4 × 8, दूसरा भी काट सकते हैं लेकिन मैंने हर बच्चे को सोल्यूशन दिखाने के चक्कर में इसलिए करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे 1/4 1/2 आएगा, ठीक है जी, और इसके साथ जे रहेगा। तो ये आपने क्या मालूम किया, ये आपने पोजीशन वेक्टर मालूम कर लिया, बेसिक चीज थी, यहाँ पे भी आपने मालूम कर ही लिया था लेकिन बस जो 8 था वो अलग अलग करके लिख दिया। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे आगे क्वेश्चन नंबर 8 का पार्ट नंबर 1 था, जिसमें आपको दो वेक्टर दिए गए थे और रेशो दिया गया था, कहा गया था कि भाई पोजीशन वेक्टर मालूम करके दें, तो आपने पोजीशन वेक्टर जो इंटरनली डिवाइड कर रहा था, सिंपल सी बात है, तो उसका फार्मूला यूज किया, उसके अंदर वैल्यू जो आपको डायरेक्टली थी पुट की, सिंप्लीफाई की, वो आपका आंसर आपके सामने आ गया है, कोई मसले की बात नहीं है। इसका जो इंपॉर्टेंट
चीज थी वो बेसिक कॉन्सेप्ट था। उम्मीद करता हूँ जो आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि वो जो चीज़ आपको आगे काम आने वाली है। तो उम्मीद, अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।